देखो बॉस का मिलना बहुत मुश्किल है, तुमने खुद ही तो देखा कितने दिन बाद फोन करते हैं वो मुझे। अभी वो यहाँ हैं, कल किसी और मुल्क चले जाएंगे। मेरी तो एक ही दफा बात हुई और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे फटाफट निकाह करना है। शाहरुख, मैं सुकून में नहीं हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा। शादी कर रही है वो, जो भी कर रही है उसे करने दे। मुझे ना तो उससे कोई बदला लेना है और ना ही उसे सजा देनी है। हेलो सायरा, कहाँ हो तुम? मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। पता है आज मैं दुल्हन बन गई। सच? मेरी बहन तो आज बिल्कुल परी लग रही होगी, है ना? जैसी भी लग रही हूँ लेकिन तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। दुल्हन बन के भी बिल्कुल अकेली। कोई भी नहीं है मेरे पास, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई हंगामा नहीं है। ये कैसी शादी है यार? शुक्र करो सारा कि तुम्हें फारूक जैसा हमसफर मिल रहा है। फिर ढोल ताशे दोस्त रिश्तेदार हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे सब लोग याद आ रहे हैं। तुम, आमिर, अम्मी, अब्बू, और जानती हो सबसे ज्यादा मुझे कौन याद आ रहा है? फाकिर? नहीं, शफक याद आ रही है मुझे। देखो आज मैं कितनी हसीन लग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मेरे सामने हो और तुम सब लोग मेरी तारीफें करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ सायरा। अगर ये हादसा ना होता तो मैं कभी यहाँ तुम्हें छोड़ कर ना आती। लेकिन चलो अच्छा है ना, अब तुम तो खुद यहाँ आ जाओगी। सायरा, चले पास आ गई। तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है। अब चले, देर हो रही है। जी जी बॉस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरी जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है बॉस, और ये आपकी वजह से है। थैंक यू सो मच। जी जी जी, 8 बजे तक प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगा मैं। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। आज हमारी जिंदगी का वाकई सबसे बड़ा दिन है। बाकी तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी का भी बहुत बड़ा दिन है। तुम ना होती ना तो शायद ये दिन कभी ना आता। पता है, मैंने मायरा को बताया कि हम लोग शादी के बाद उससे मिलने आएंगे दुबई। क्या हुआ? काफी देर से देख रही हूँ कि तुम कहीं गुमसुम हो। आज का दिन ही ऐसा, पता नहीं कब से इंतजार था मुझे इस दिन का। बस तुम बॉस से सही तरीके से मिलना। अगर बॉस तुमसे खुश हो गए ना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। बॉस खुश हो जाएंगे मतलब? मतलब उन्होंने अभी तक तुम्हें नहीं देखा हुआ और मैंने तुम्हारी तारीफ में जमीन आसमान एक किए। तुम फिक्र मत करो, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मेरी तारीफ ना करे। और देखना, तुम्हारे बॉस देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे मुझे, बल्कि तुम्हारी चॉइस की दाद देंगे। ये भी ना बात, अब चले। बॉस का घर है? ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बढ़ के। अभी तुमने पूरा घर देखा ही कहा?
पूरा घर देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आओ तुम्हें दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत घर है। इस घर में रहने वाले लोग कितने खुशनसीब होंगे ना। देखो वो मेरे बॉस हैं, तो उनका घर भी तो घरों का बॉस होंगे। वैसे अब तो मुझे तुम्हारे बॉस से मिलने का और भी ज्यादा शौक हो गया है। जिस बंदे का इतना खूबसूरत घर हो, इतनी खूबसूरत चीजों का मालिक हो, खुद कैसा होगा। लेकिन उन्होंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? सब कुछ तो है उनके पास। मर्जी के मालिक हैं, जब करनी होगी शादी कर लेंगे, उन्हें क्या मसला है। अच्छा सुनो, तुम्हें बॉस से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बता चुका हूं कि तुम्हें गरीब घराने की और उनको उस पर कोई एतराज नहीं। ओके? अरे यार ये काजी साहब कहाँ रह गए? वैसे यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मैं जरा पूछ के आता हूँ काजी साहब का। ओके ओके आपको साहब ने बुलवाया? मुझे फारूक काजी को लेने गए हैं। वो जैसे ही आते हैं तो हम दोनों आते हैं साथ। नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको बुलवाया। जी बैठ। वो फारूक काजी को लेने गया है, बस आता ही होगा। ठीक कह रहा था फारूक, तुम बहुत खूबसूरत हो। जी आपका घर भी बहुत खूबसूरत है। इस घर में हर वो चीज जिसकी कोई इंसान ख्वाहिश करता है और उस चीज को हासिल करने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लुटा देता है, वो सारी चीजें खूबसूरत है। मुझे खूबसूरत चीजें बहुत पसंद। क्या हुआ, डर गई? नहीं, वो फारूक कब तक आएगा? फारूक,
वो अब यहाँ क्यों आएगा? नहीं, वो काजी को लेने गया है ना, आज शादी है हमारी। शादी? काजी, क्या बात कर रही हो, वो अब यहाँ नहीं आएगा। नहीं नहीं, आप आपको कोई गलत फहमी हुई है शायद, आज मेरी और फारूक की शादी है ना, हम दोनों आप ही का इंतजार तो कर रहे थे। अगर वो तुमसे शादी करना चाहता तो मेरा इंतजार क्यों करता, ये सोचा है तुमने कभी? नहीं, वो फारूक ने मुझे बताया कि वो कोई भी काम आपसे पूछे बगैर करता ही नहीं है, इसीलिए हम दोनों आप वो तुम्हें मेरे लिए छोड़ के गया। आपके लिए? लेकिन वो गया कहाँ है? वो चला गया तुम्हें छोड़ के, अब तुम यही रहोगी मेरे पास जब तक मैं चाहूं। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं क्यों रहूंगी आपके साथ? फारूक कहाँ है? मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो? देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती, मुझे मेरे घर जाना है। अगर कहीं आने से पहले यही कहती तो फिक्र क्यों करती हो? तुम यहाँ 2-3 रोज मेरे साथ रहोगी, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, जहाँ चाहो चली जाओ। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी, मैं जहर खा के मर जाऊंगी। यार, कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब झूठ है। यहाँ आने वाली हर लड़की जिससे फारूक शादी का वादा करता यहाँ लाता है, वो यही कहती तुम्हारी तरह बिल्कुल अकेली होती, और फिर मुझ जैसे शानदार मर्द के साथ टाइम गुजार के हंसी खुशी यहां से चली जाती। मुझे फारूक की बात बहुत अच्छी लगती है, वो जानबूझकर ऐसी लड़कियों को यहां लेके आता है जिनके पीछे मर्द की गैरत का टैग नहीं होता। तुम ये सूट, ये जेवरात लेके यहां से चली जा, तुम पैसे भी दूंगा मैं, ले जा। अब तुम सिर्फ मेरी। मतलब? मैंने तुम्हें फारूक से खरीद लिया। हाथ जोड़ती, मुझे प्लीज यहां से जाने दो, मैं नहीं जानती थी कि फारूक मेरे साथ ऐसा करेगा। फजूल बातें मत करो, तुम यहां फारूक की वजह से नहीं, पैसों की वजह से आई हो, अब वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बोलो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस यहां से जाना चाहती हूं। देखो लड़की, बहुत हो गया, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मुझे दौलत चाहिए थी, लेकिन सिर्फ अपने शोहर के पास। प्लीज मुझे जाने दे यहाँ से। फिक्र ना करो, तुम्हारे इस गुनाह का किसी को पता थोड़ी चलेगा, तुम्हारा आराम से माशरे में घूमना फिरना, कमरे के बाद कमरे में ही रह जाएंगे। तुम मेरे साथ हफ्ता 10 दिन, इतनी खूबसूरत हो, तुम 1 महीना मेरे साथ रहना, फिर चली जाना जहां जाना चाहो। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। हाँ, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम अपना गंदा इलाका भी छोड़ दोगी जहां रहती हो। मैं हर इंसान को उसके लायक पैसे देता हूँ। खुदा के लिए मुझे जाने दे यहां से, प्लीज। मैं बिजनेस में धोखा नहीं करता, फारूक ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, मुझसे ठीक ठाक पैसे लेके गया है हमेशा की तरह, और धोखा वो करता है तुम्हारे साथ। देखो, मेरे करीब मत आना, प्लीज मेरे करीब मत आओ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। कभी तुमने अपने आप को देखा? अगर मैं तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक संग तराश पत्थर तराश तराश के जरे जरे को खूबसूरत बना देता। तुम्हें तुम्हारी सबसे अजीज चीज का वास्ता है, प्लीज मुझे जाने दो। क्यों छोड़ दूं मैं तुम्हें? क्यों छोड़ो मुझे? छोड़ दो, तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ।
अपने अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। दरवाजे खोल दो, जाने दो इसे, भाग जाओ लड़की। ये लो शफा, क्या लिख रही हो? जिंदगी खुशी की तलाश में गुजरती जाए, जब ढूंढती हूं खुशी को एक गम करीब आ जाए। मैं उदास गमगीन न जाने कब से, जिंदगी दुखों के साथ ही गुजरती जाए। इंतजार ही रहा उस घड़ी का कि ना जाने कब वो मेरी जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी में चुपके से बाहर आ जाए। ऐसे मत देखिए मुझे, मेरी जिंदगी में इसके सवाब कुछ भी नहीं है, बल्कि यूं कहें कि जितनी भी बची है सब इसी में है। प्लीज शफक, मत करो ऐसा, अपने साथ भी और उन लोगों के साथ भी गलत कर रही हो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं। बहुत कोशिश करती हूँ साकिब, आप बताएं, जिस इंसान को पता हो कि वो मरने वाला है उसे कैसे एक्ट करना चाहिए? खुदा ना खास्ता अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? Honestly speaking, अगर मैं इस पॉइंट पे होता तो मैं ये सोचता कि मैं वो हर काम करूं जिसकी कभी मैंने ख्वाहिश की, या जो काम मैं कभी नहीं कर सका वो कर लूं, ताकि बाद में मुझे कभी ये पछतावा ना होता कि I wish I could have done that। लेकिन मैं सब कुछ तो नहीं कर सकती। सब कुछ नहीं तो कुछ तो कर सकती हो ना, बहुत सारे काम ऐसे होंगे जिनके बारे में तुम सोचती होगी काश मैं ये कर सकूं। नहीं तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ
तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार, जहां कहोगी मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम एक दफा कहो तो। मैंने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं साकिब, बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। अच्छा तुम लिस्ट तो बनाओ, हम देखते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे। और हाँ प्लीज इस शायरी से अब दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बाहर आ चुकी है, खुद ही दरवाजा बंद किए बैठी हो। तुम्हें तो मैं बॉस के पास छोड़ के आया था ना। चलो उठो 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 और चलो यहां से, वेट कर रहे हैं तुम्हारा बॉस। उठो उठो। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। साकिब, मेरी तो बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो मैंने कभी पूरी नहीं की। तो अब पूरी कर लो ना, एक लंबी सी लिस्ट बनाओ और ख्वाहिशें पूरी करो, ताकि कोई हसरत रह ना जाए। सोच लिया है मैंने, अब मैं कोने में बैठकर मरने का इंतजार बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगी। वैसे भी किसी को क्या पता कि कौन कब मर जाए, ये सब फजूल की बातें। बस तुम लिस्ट बनाओ, बारी बारी सब पूरी करेंगे। सहरा बेटा, मैं यहाँ कैसे आई? बेटा, तुम रात को गेट के बाहर बेहोश पड़ी थी। चौकीदार ने मुझे बताया तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई। मागुल तुम्हारे लिए मेरा कमरा ठीक कर रही है। बेटा शुक्र करो तुम यहाँ तक पहुंच गई थी, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो क्या होता? सायरा, सायरा बेटा, अरे मैं तो बहुत तेज बुखार है। मागुल, मागुल जरा जल्दी डॉक्टर को बुलाए। गुल बीवी जी, क्या हुआ, किसकी तबीयत खराब है? जी वो शफक तो बिल्कुल सही है, अभी मैं उसके साथ था। आंटी कहाँ है? बीवी जी ठीक है। बीबी जी, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो हटो। आंटी ये डॉक्टर, ये यहां क्या कर रही है?
इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बीमार है। जो भी है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या कर रही है? मुझे खुद नहीं पता, गेट पे बेहोश पड़ी हुई थी, सारी रात बारिश में भीगी है। और आप इसे उठा के यहाँ पे ले आई, ये जानते हुए कि इसने आपकी बेटी के साथ क्या किया? मैं नहीं जानती इसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, मुझे तो बस ये पता है कि जब मैं अपनी इल्तिजा लेकर इसके पास गई तो इसने मेरे साथ क्या किया। इसने शफक की जिंदगी बर्बाद की है, मैं इसको यहाँ नहीं रहने दूंगा। सुनो, शफक की जिंदगी इसने बर्बाद नहीं की, मैं नहीं जानती इसकी नीयत क्या थी, लेकिन इसने तो शफक की जिंदगी आबाद की है। आज तुम यहाँ हो इसी की बदौलत। आप क्या बात कर रही हैं, आप इसको मुझसे ज्यादा नहीं जानती, ये बहुत चालाक लड़की है। फिर गलत, मैं इसे बचपन से जानती हूँ, उस वक्त शफक भी इसे नहीं जानती। जो भी है आंटी, अगर शफक को पता चलेगा तो वो क्या करेगी? आप जानती उसने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। देखो, शफक को बताने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खुद समझा दूंगी। और मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हें भी यहाँ नहीं आना चाहिए। ठीक हो जाएगी तो मैं इसे यहाँ से भेज दूंगी। जाओ। लेटी रहो, लेटी रहो, डॉक्टर तुम्हें चेक करके गया है, उसने बताया कि तुम्हें बुखार है और बहुत कमजोरी है। अब जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो जाए तुम यहीं रहो। क्यों मुझे लेकर आई यहाँ पर, मरने देती मुझे? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, कुछ खा लो और फिर दवा ले लो, बाद में बात करेंगे। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ, आपके रहम के काबिल नहीं हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी तुम इसी दरवाजे पर आई और कहीं नहीं गई, इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें यकीन था कि इस घर से तुम्हें तहफ्फुज मिलेगा। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। भाई मेरी विश लिस्ट तो बहुत लंबी हो गई है, कि इसे देख के मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने वाकई जिंदगी में कुछ नहीं किया। साकिब, क्या हुआ, इतने चुप क्यों है? नहीं, बस ऐसे ही। सायरा का फोन आया था? नहीं तो, ये सायरा कहाँ से आ गई बीच में? वैसे ही आप अपसेट लग रहे थे, मुझे लगा शायद उससे कोई बात हुई है। नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा आई थिंक थक गया हूँ, पर लेट जाता हूँ। हाँ लेट जाए। जो दौलत के नशे ने अंधा कर दिया था, सही सबक सीखा मैंने, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। तुम्हारे साथ तो जो हुआ सो हुआ, तुमने शफक के साथ क्या किया? जो बात मैंने उसे सारी जिंदगी छुपाई, तुमने एक झटके में उसे बता दी। क्यों किया ऐसा तुमने शफक के साथ? इस बात का कोई जवाब नहीं आंटी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं दौलत के बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती, मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ दौलत चाहिए थी। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा बाद में हुआ कि मैं साकिब से मोहब्बत करती थी, मैं उससे दूर नहीं रह सकती थी, उससे जुदाई मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मुझे इस बात का अंदाजा आज हुआ है कि मैंने सबके साथ कितना गलत किया, मैंने ना चाहते हुए भी हर वो काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। शफक के पास दिन ही कितने हैं, कुछ दिन और सब्र कर लेती, या कहीं जानो मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाह रही थी।
नफरत महसूस हो रही थी मुझे तुमसे, लेकिन क्या करूं, तुम्हें इस हालत में देखा तो सब्र ना कर सकी। मां होना किसी की भी औलाद को इस हालत में देख नहीं सकी। और शफ़क, अगर उसने मना कर दिया तो? उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर वो ना मानी तो तुम्हें जाना पड़ेगा यहां से। आराम करो। क्या हुआ है मामा, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। साकिब कहाँ है? कमरे में। पता नहीं क्या हुआ है उन्हें, अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेट गए हैं सोने के लिए, और यहाँ आप लोग फिर से मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? कुछ नहीं छुपा रहे, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो जरा हिम्मत से सुनना। सायरा मेरे कमरे में। क्या? सायरा आपके कमरे में? उसे इस घर में घुसने किसने दिया है? मैं लाई हूँ उसे अंदर। क्या मामा, आपको अच्छी तरह से पता है ना कि उसने मेरे साथ क्या किया था? अच्छी तरह जानती हूँ। फिर क्यों लाई है मामा? बेटा वो बीमार है। तो हॉस्पिटल जाए, यहाँ क्यों आई है? मैं उसे यहाँ नहीं रुकने दूंगी, मैं उसे अभी इस घर से निकाल। ठहरो शफ़क, मैंने उसे यहाँ रोका है। आप चाहती हैं मैं वक्त से पहले मर जाऊं? अल्लाह ना करे बेटा, तो एक दिन सब्र कर लो, वो चली जाएगी, बीमार है बेटा। थैंक यू मामा, अब आप भी मेरी दुश्मन बन गई। सही कहा था ना मैंने, आप वाकई सायरा के बारे में सोच रहे थे। इसी घर में है वो मनहूस, मेरे घर में। उसे मैं नहीं लेकर आया। जानती हूँ, कोई एक थोड़ी है, सभी मेरे दुश्मन हो गए हैं यहाँ पर। शफ़क तुम्हारा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। आंटी से मैंने खुद कहा है कि उसे यहाँ से निकालें, लेकिन वो बात ही नहीं मान रही है। आप निकालेंगे उसे इस घर से? वो मेरे घर में इतने आराम से नहीं रह सकती मेरे साथ इतना कुछ करने के बाद। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं साकिब, आप उसे प्लीज यहाँ से निकाल दें। अच्छा प्लीज, तुम टेंशन मत लो, मैं ही निकालूंगा उसे घर से। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आंटी से खुद बात करूँ। उठो, यहाँ क्या कर रही हो तुम? प्लीज ऐसा मत करो, मैं एक दो दिन में यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तुम यहाँ आई क्यों हो सायरा? देखने आई हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई? ऐसी बातें मत करो, तो मैं भी गई हूँ। मेरे साथ ये फजूल डायलॉग मत बोलो, मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे ड्रामेबाजी से। मैं एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी, निकलो मेरे घर से। प्लीज ऐसा मत करो, मैं एक दो दिन बाद चली जाऊंगी, वो लोग मुझे कहीं और ले जाएंगे। शफ़क क्या कर रही हो बेटा? मामा मैं इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे जाना होगा यहाँ से। शफ़क मेरी बात सुनो, देखो वो बीमार है, परेशान है, और फिर तुम्हारी बचपन की दोस्त है। दोस्त है ये? दोस्त ऐसे होते हैं मामा? मामा जो दोस्त होते हैं ना, वो किसी को मारने की कोशिश नहीं करते। ऐसे की लालच में अंधी हो गई थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो अब मैं अंधी हो गई, मुझे भी कुछ नजर नहीं आएगा।
मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे जाना होगा। चलो, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से, उठो चलो। शबक प्लीज है शबक। शबक शबक बेटा, शबक शबक बेटा, शबक। खैरियत तो है डॉक्टर साहब, आपको शादी से पहले पता था कि उनको ब्रेन ट्यूमर है? जी हाँ, मैं जानता था। She is pregnant. वो माँ बनने वाली। क्या शफक, आप सच कह रही हैं? जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान हैं? परेशानी की बात तो है, ऑलरेडी उनको ब्रेन ट्यूमर है, वो ऐसी सूरत में माँ कैसे बन सकती है? देखे, उनकी तबीयत तो वैसी खराब रहती है, अगर वो माँ बनेंगी तो उनके साथ साथ बच्चे की जान को भी खतरा है। तो अब क्या होगा? देखे, मेरा मशवरा तो ये है कि आप उनसे कहें कि वो अबॉर्शन कराएं, उनके लिए यही बेहतर। मामा, आपको डॉक्टर ने बताया ना, मैं मां बनने वाली हूं। साकिब, मां बनने वाली। आप खुद एक औरत, एक मां होते हुए ये कैसे कह सकती है किसी से कि वो अबॉर्शन करवा ले? आपको क्या लगता है हम हर मां को यही मशवरा देते हैं? आपका केस अलग नौइयत का है, आपकी सेहत इस चीज की इजाजत नहीं देती।